नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2018 के लिए कन्या राशि का राशिफल। कन्या राशि का स्वास्थ्य किस तरह से होगा, किस तरह से आपका माइंडसेट होगा, मनस्थिति क्या होगी, पैसों के बारे में, धन के बारे में, ये महीने में ऐसी कौन सी परिस्थितियों को आपको सामने जाना है, या फिर आपके घर के जो मामले हैं, फैमिली मैटर्स है, वो किस तरह से होंगे। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, उनसे आपके ताल्लुकात किस तरह से होंगे। उसी प्रकार आपकी जो संतान होगी, उन संतान के बारे में किस प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या फिर शुभ फल मिल सकते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम पर जाते हो वहाँ पर भी परिस्थितियाँ किस तरह से होगी। उसी प्रकार धन के मामले में पूरी तरह से डिटेल में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में कन्या राशि के लिए। ये जो कन्या राशि मैं बोल रहा हूँ वो चंद्र राशि से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके राशि का जो स्वामी है वह स्वामी बुध आपके तृतीय भाव में है, जो कि पिछले करीबन 15 से 20 दिन से वक्री था। दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो बुध है यह बुध मार्गी होने जा रहा है। तो आपके लिए यह जो कालावधि है वह कालावधि मतलब दिसंबर 2018 का पूरी तरह से आप जिस काम पर लगे हुए हो, मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट आपके सामने है, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, तो उसमें आप पूरी तरह से फोकस होगे, पूरी जी जान से आप उसके पीछे पड़ोगे। और पूरे महीने में अगर देखा जाए तो मोटे स्वरूप में अगर आप जिस विषय पर आप काम करते हो, जहाँ पर व्यवसाय बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, उसी के ऊपर पूरी तरह से फोकस होगे। बाकी किसी भी तरफ से आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और पूरी एकाग्रपूर्वक आप ये काम करने वाले हो। सिर्फ दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि भी यह जो बुध है वह बुध 7 तारीख के बाद मार्गी होने वाला है, तो इसके पहले अगर मतलब 1 तारीख से 6 तारीख के बीच किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप सिग्नेचर नहीं करना, किसी को कमिटमेंट नहीं देना, या फिर आपको कोई ऐसे डील करनी हो तो पूरी जो उसके उसके जो बात रहेंगे, उसके जो ये रहेंगे, उसके पूरी तरह से डिटेल में जाकर ही कोई जो हम प्रॉमिस बोलते हैं या फिर कोई कमिटमेंट करते हैं वो करना। क्योंकि अगर उससे पहले आप कुछ करते हो तो उसके जो आपके परिणाम है वो चुकने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपने देखा होगा जहाँ पर आप काम करते हो, मतलब जहाँ अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, तो पिछले करीबन 10-15 दिन में आपने यह अनुभव किया होगा कि वहाँ के जो सहकर्मी हैं वह आपको अच्छी तरह से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ का जो वातावरण है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, मतलब अगर जहाँ पर कोई अकाउंटेंट या फिर ऑफिस वर्क से जुड़े हुए हो, तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हुई हो, तो मेरे ख्याल से करीबन 8 से 10 तारीख के बाद यह जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई आपको समझ में आएगी। उसी प्रकार आपको कुछ ज़्यादा काम भी दिया हुआ होगा, या फिर आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी ऐसी परिस्थितियाँ होंगी कि जो कि आपके लिए अशुभ होगी। मतलब आपको लगा होगा कि क्या हम काम पर रहेंगे या नहीं, नौकरी पर रहेंगे भी नहीं। या फिर जो व्यक्ति बिजनेस से रिलेट करते हो, उनको भी उनके मन में भी थोड़े बहुत ऐसी दुविधा आ सकती है कि ये बिजनेस नहीं चल रहा। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी नेगेटिव थाट्स है, नकारात्मक जो विचार है, वो करीबन 10 तारीख के बाद पूर्णतः नॉर्मल होने वाले हैं। तो आपके लिए जो माइंडसेट का जो स्ट्रेस या टेंशन बोलते हैं वो पूरी तरह से निकलने वाला है। इसी प्रकार यह जो बुध है, मतलब आपके राशि का स्वामी, यह बुध नेपच्यून के साथ केंद्र योग करेगा दिनांक 23 और 26 के दिन। मतलब यह जो नेपच्यून आपके षष्ठ भाव में है, उस षष्ठ भाव के नेपच्यून के साथ यह जो बुध है, यह बुध दिनांक उसका दिनांक 23 तारीख के दिन बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने वाला है। यह जो केंद्र योग है या फिर यह योग है, उसका प्रभाव करीबन 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक रहेगा। तो इन दिनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स या फिर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकती है जो कि अननोन है, मतलब अभी तक आपने देखी नहीं हो या फिर जो अचानक आई हुई है। उसी प्रकार इन दिनों में भी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन फंसने के जरा चांसेस लगते हैं इन दिनों में। तो कोई भी मतलब कोई भी फील्ड से रिलेट करने वाला है, अगर यदि यह आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ कॉम्प्लिकेशन, तो उसके ऊपर जल्दी से आप कोई मेडिटेशन या मेडिकल उसमें ये कर दो, इलाज कर दो। या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो, कोई नया कोई प्रस्ताव लाया हो, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर जल्दी नहीं सोचना, जल्दी से निर्णय नहीं लेना, थोड़ा टाइम लेना। हालांकि ये जो दिन है 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, तो यह दिनों में आप उसमें कुछ फंसने के चांसेस थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। उसी प्रकार शुक्र जो कि आपका द्वितीय भाव का स्वामी है और जो आपका भाग्य का भी स्वामी है, वो करीबन आपके लिए अच्छा ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से यह जो पूरा महीना है, दिसंबर के पूरे महीने में आपको, जिसे हम सेविंग बोलते हैं या फिर पैसे का जो मामला है, उसमें से ज्यादा ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आएंगे। हालांकि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक
यह जो शुक्र है, ये शुक्र आपके अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं, लग सकते हैं इन मामलों में, कि पैसे थोड़े ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, पैसे की थोड़ी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है। खास करके आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली मेम्बर में जो लड़कियाँ होंगी या फिर जो स्त्रियाँ होंगी उनके ऊपर थोड़े ज़्यादा खर्चे होने हो सकते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी भी विवाद में नहीं जाना, क्योंकि यह जो प्रॉब्लम्स है अगर स्पेंडिंग भी हो भी जाती है तो वो भी स्पेंडिंग पॉजिटिव हो सकती है। और जिसे हम लक फैक्टर बोलते हैं, लक फैक्टर बोलते हैं मतलब नसीब का जो भाग बोलते हैं, वो नसीब या फिर लक आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। तो जो भी लोग नौकरी के बारे में सोच रहे हैं वो नौकरी के बारे में पूरी तरह से प्रयत्न कर सकते हैं, उनको सफलता ज़रूर मिल जाएगी दिसंबर 2018 में इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसी प्रकार आपका जो तृतीयेश है, आपका तृतीयेश और अष्टमेश जो मंगल है, वो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। 2-3 बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो मंगल करीबन 24 तारीख के बाद आपके सप्तम स्थान में भी जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि यह जो बुध वक्री हो रहा है या फिर यह जो मंगल आपके षष्ठ भाव में चलेगा, तो सेहत के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। छोटी मोटी यात्रा अगर आप करते हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके यात्रा का हेतु सफल नहीं हो पाएगा, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर जो ऐसे लोग होते हैं जिसे हम गुप्त शत्रु कहते हैं, जो कि आपके मुंह के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके बुराइयाँ करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। और आपके कनिष्ठ वर्ग जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ से कुछ जो नीचे अहदे के जो व्यक्ति होते हैं उनसे भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से शिकायत हो सकती है, तो उनसे थोड़ा बचे रहिए। आप जो काम करते हैं उसी के ऊपर फोकस कीजिए, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। ये जो बातें हैं बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है। जैसे कि मंगल 24 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में जाएगा, तो ये सभी परेशानियाँ हैं वो परेशानियाँ दूर होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार मंगल और नेपच्यून की युति भी होने वाली है आपके षष्ठ भाव में, और यह युति का जो प्रभाव है, इस युतियों का जो प्रभाव है वो प्रभाव 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का होगा। इन दरमियान 2-3 बातों का वहाँ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहली बात आपकी सेहत के मामले में, इन दिनों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसी आ सकती है जो कि अनसीन होगी, जिसका उपाय जल्दी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इस यह जो ग्रह का प्रभाव है या फिर योग का प्रभाव है मंगल और नेपच्यून युति का, जैसे ही कम होते जाएगा तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अच्छे आसार नजर आएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी सेहत के बारे में वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो ससुराल के लोग होते हैं, जैसे हम इन-लॉज भी कहते हैं, उनसे भी आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, और वह भी जो बात है वह बात करीबन 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक चलेगी। उसके बाद सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। और तीसरी बात, जो गुरु आपके तृतीय भाव में चल रहा है, दिनांक 11 अक्टूबर से यह गुरु आपके तृतीय भाव में आ गया है और वो करीबन आगे आने वाले साल भर तक आपके तृतीय भाव में रहेगा। वो पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो गुरु का भ्रमण आपके तृतीय भाव में हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा और शुभ है, जिस विषय पर आप काम करते हो उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे भी आपकी अच्छी हारमोनी होगी, और लाभ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो लाभ के बारे में भी आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। जो विषय पेंडिंग है वो पेंडिंग विषय पूरी तरह से निभा भी सकते हैं। तो जैसे कि अभी का जो समय आपका चलेगा दिसंबर का, वो भी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो अच्छा है। सिर्फ आपके सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन आय के मामले में या फिर प्रत्यक्ष लाभ जिसे बोलते हैं उसके मामले में आपके लिए यह जो समय है वो अच्छा ही रहेगा। और गुरु जो कि आपके तृतीय भाव में है, वो इस लाभ को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएगा और आपको और भी ज़्यादा लाभ दे सकता है। उसी प्रकार जो शनि है, शनि करीबन पूरे महीने में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, और रवि जो कि आपका वेश है, वो वेश जैसे ही आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 16 तारीख से लेकर आगे का जो पूरा महीने का कालावधि है उसमें आपके जो घर में होंगे थोड़े बहुत ऐसे झगड़े वगैरह हो सकते हैं, जो वातावरण है थोड़ा सा तीव्रतम हो सकता है, लेकिन उसके ज़्यादा परिणाम नहीं होंगे। तो क्योंकि
आपका यह जो गुरु है वो आपके व्यय भाव है, तो मेरे ख्याल से यह 14-15 तारीख के बाद का जो समय रहेगा पूरे मतलब 15 दिनों तक आपके घर में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, घर की वजह से आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जैसे ये रवि अपना स्थान बदलेगा तो मेरे ख्याल से वो निकल जाएंगे, तो लेकिन घर के मामले में थोड़े बहुत स्ट्रेस आपको रहेंगे जरूर। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होगा, जो शुक्र जो कि आपका धनस्थान का स्वामी भी है, आपका भाग्य भाव का स्थानीय स्वामी भी है, इस स्वामी के साथ यश और शुक्र और नेपच्यून का नव पंचम योग होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपके काम की सराहना हो सकती है, आपके अलग अलग आइडियाज आ सकते हैं, और सेविंग के बारे में भी यह जो दिन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात आपको नज़र में आ सकती है जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से सेविंग कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से आपकी जो आय है वो बढ़ाने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और आसान रहेगा। उसी प्रकार रवि और मंगल का केंद्र योग भी होने जा रहा है, जिसका प्रभाव दिनांक 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक होगा। उसका परिणाम क्या होगा, जैसे कि रवि आपके तृतीय भाव में है और मंगल आपके छठे भाव में है, तो जिस विषय पर आप काम करते हो वहां पर ऐसे कुछ तकलीफ आपको महसूस हो सकती है, ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको मिल सकते हैं जिसके वजह से काम पूरा होगा कि नहीं इसके बारे में थोड़े बहुत चर्चे हो सकते हैं। जैसे कि यह जो रवि है, यह रवि आपका अष्टमेश है और जो मंगल है रवि है आपका व्ययेश है, मंगल आपका अष्टमेश है और तृतीयेश भी है, तो सेहत के बारे में या अगर आप ड्राइविंग करते हो कहीं पर घूमना फिरना हो तो उस वक्त के लिए, जैसे मैंने जो वक्त कहा करीबन 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, यह दिनों में थोड़ा बहुत इसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यह महीने के मतलब दिसंबर 2012 का जो महीना है उस महीने में जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा 22 तारीख को है जो कि धनु राशि में मतलब आपके चतुर्थ स्थान में है, और अमावस्या जो कि 6 तारीख को होगी और वह अमावस्या आपके तृतीय स्थान में है, तो यह जो दो दिन है पूर्णिमा और अमावस्या इन दो दिनों में आप थोड़ा ध्यान देना आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा आवश्यक है, मतलब कुछ ना अनवांटेड ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोई भी बड़े डिसीजन इन दिनों में कभी भी नहीं लेना क्योंकि आपकी राशि थोड़ी स्ट्रेस में चल सकती है, और स्ट्रेस में लेने वाला कोई भी डिसीजन नॉर्मली गलत आता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि यह जो पूर्णिमा है जो कि आपकी 22 तारीख को होगी धनु राशि में और आपके चतुर्थ भाव में होगी, तो जैसे मैंने कहा कि आपके जो घर के मामले होंगे वो थोड़ा ज्यादा अलग से नेगेटिव रूप लोग ले सकते हैं दिनांक 16-17 तारीख के बाद, तो जैसे ही अमावस्या के आसपास का दिन या कि अमावस्या के दिन यह जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर अच्छी तरह से सोच विचार करके निर्णय लेना आवश्यक है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो जो अमावस्या है वो अमावस्या आपके 6 तारीख को आपके तृतीय भाव में होगी, सेहत के बारे में थोड़ी अमावस्या आपको थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस वगैरह दे सकती है। उसी प्रकार ये जो महीना है मतलब दिसंबर 2018 का महीना है, इस महीने में ऐसी कोई जन्म तारीख है वो जन्म तारीख सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती है। पहले मैं आपको उन जन्म तारीख के बारे में बता दूं, फिर उसके परिणाम हम देखेंगे। जिनकी जन्म तारीख मार्च 27 तारीख से लेकर अप्रैल के 5 तारीख तक की है, जिनकी जन्म तारीख जून 27 से लेकर जुलाई की 5 तारीख तक की है, सितंबर के 27 तारीख के लेके अक्टूबर के 5 तारीख तक की है, दिसंबर के 27 तारीख से लेकर जनवरी की 5 तारीख तक की है, जुलाई के 28 तारीख के लेकर 21 तारीख तक की है, और जनवरी की 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक की है। जो ऐसी जो जन्म तारीख है इन सभी जन्म तारीखों इन सभी बर्थ डेट्स के लिए दिसंबर 2018 का महीना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाला जाएगा। जो भी वो काम करते हैं उसमें अपयश आ सकता है, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम लगते हैं। अगर कोई आपने मेजर इन्वेस्टमेंट की हो तो इसके बारे में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर आपको कोई लग रहा है कि यह आपका पर्टिकुलर काम है, यह काम इन महीने में होने वाला है, तो इन बर्थ डेट्स के लिए यह महीने में काम होगा नहीं, क्योंकि यह जो पूरा जो महीना है वो आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। कोई भी बड़े डिसीजन, कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ऐसे भी कोई बर्थ डेट्स है जो बर्थ डेट इन जो यह जो महीना है दिसंबर 2018 उसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश हो सकते हैं या फिर उनको बहुत अच्छी तरह से उसके अनुभव आ सकते हैं। पहले मैं वो जो बर्थ डेट्स है उनके बारे में आपको बता दूँ। मार्च 23 से लेकर अप्रैल के 4 तारीख तक, जुलाई 23 तारीख से लेकर अगस्त के 3 तारीख तक, नवंबर के 23 तारीख से लेकर दिसंबर के 3 तारीख तक। तो यह जिनकी जन्म तारीख होगी इन जन्म तारीख के लिए दिसंबर 2018 का महीना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ हो जाएगा,
जो भी उनके पेंडिंग काम है वो पूरे होते नजर आएंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जिनके धन के मामले में कॉम्प्लिकेशंस है, उनको कोई ना कोई राह निकल के आएगी, जिसकी वजह से। तो मेरे ख्याल से जो भी विषय के ताक में आप हो, जो कि आपके हाथ से पूरे होने, तो अगर आपकी जन्म तारीख इन, मैंने जो जन्म तारीख अभी गिनवाई, इनमें से हो, तो आपके लिए दिसंबर 2000 का महीना बहुत अच्छा होगा, बहुत ही शुभ होगा, और वो आप अनुभव भी करोगे। उसी प्रकार कन्या राशि के लिए अगर देखा जाए तो दिसंबर 2018 के ऐसे कुछ दिन हैं जो को अशुभ है। हालांकि अशुभ दिन ऐसे भी होते हैं कि जब भी हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं होता, या फिर सामने से ऐसे कोई घटनाएं घटती है जिसके वजह से हमारा जो माइंडसेट अच्छा नहीं होता, तो ऐसे कौन से दिन है जो कि आपके लिए इतने अच्छे साबित नहीं होने वाले, तो वह दिन मैं आपको पहले गिनवाऊं। जो अशुभ दिन है वो अशुभ दिन 13, 14, 15, 18, 19, 27, 29, 28, यह जो तारीख है, इन तारीखों के दरमियान आपका, मतलब कन्या राशि के जो व्यक्ति है, उनका जो माइंडसेट है दिसंबर 2018 का, वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। मतलब मन में किसी प्रकार के विचार आ सकते हैं आपका, जो हालांकि आपके जो मूड स्विंग है वो भी जल्दी हो जाते हैं। तो इन दिनों में किसी प्रकार का मेजर डिसीजन नहीं लेना, और इससे बावजूद अगर आप कोई डिसीजन लेना ही है तो अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इससे हर दिन के लिए नए नए वीडियोस आते हैं 12 राशियों के लिए। अगर वो आप अच्छी तरह से देख लो तो आपको पता चलेगा कि किन दिनों में कौन सा डिसीजन आपको लेना है जो कि सफल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि के लिए दिसंबर 2018 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी आपको नजर आएगा वो भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।